हेलो फ्रेंड्स, मुँ बुद्धिराम आपण मानक स्वागत करुचे मोर ए चैनल क्लासरूम स्टडी विथ मीकू। तो पढ़ा आगर जो मैंने एपर्तंत चैनल टी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी चैनल टी निश्चित भाव में शेयर करेंगे आउ लाइक करेंगे। तेज चलत आज पढ़वा द्विघात समीकरण प्रभेदक विषय, प्रभेदक कौन तार आवश्यकता कौन अच्छे से विषय आज आम पढ़वा। तेज चलत आरंभ करवा परस्पर ठारु भिन्न है, ठीक अच्छे। जदि d इज इक्वल टू ए सॉरी d ग्रेटर देन 0 होए तबे मूलद्वय कोण हो वास्तव हो एवं परस्पर ठारु भिन्न हो। d रो मूल्य जदि 0 टू बड़ होए तबे मूलद्वय वास्तव और परस्पर ठारु भिन्न होए। जदि d इज इक्वल टू 0 होए, d इज इक्वल टू 0 होए तबे मूलद्वय कोण हेबे ना वास्तव हेबे एवं एक ओ अभिन्न हेबे, एक ओ अभिन्न अर्थात कोण ना मूलद्वय सेम हिजो ता अर्थात अल्फा रो मूल्य जहा आसीबो बीटा रो मूल्य मध्ये ताही आसीबो। जदी डी इज इक्वल टू 0 हो प्रभेदक जदी शून्य सहित समान होए तबे मूलद्वय वास्तव संख्या हेबो एवं डी जक समान हिजो एक ओ अभिन्न। जदि डी लेस देन 0 हुए, जदि डी लेस देन 0 हुए तबे मूलद्वय कोण हिजो अवास्तव हिजो, मूलद्वय कोण हिजो ना अवास्तव संख्या हिजो मूलद्वय, ठीक अछि ना। आमे के जानिले जदि डी ग्रेटर देन 0 हुए तबे मूलद्वय वास्तव हबे एवं परस्पर ठारु भिन्न हबे अर्थात कोण हबो ना अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा माने मूलद्वय वास्तव संख्या हबे एवं परस्पर ठारु
भिन्न एवं डी इक्वल टू जदी 0 हुए ताले कोन हो ना वास्तव संख्या हो एवं ए को अभिन्न अर्थात अल्फा नॉट अल्फा इज इक्वल टू बीटा बुझे आ जदी डी लेस देन 0 हुए अर्थात माने डी लेस देन 0 अर्थात कोन ऋणात्मक संख्या आसे ताले मूलतः कोन हो अवास्तव हो तबे आपन किछि उदाहरण नै कि करिबा जाफर आमे संपूर्ण क्लियर हे जेबा केमती देखंदु एठे ओटे मो उदाहरण नेली x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 63 इज इक्वल टू 0 आपन एठे मो उदाहरण नेली x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 63 इज इक्वल टू 0 त आपन मन से पछारी पारे ना उक्त समीकरण रो मूलद्वार बादिका समीकरण रो मूलद्वार स्वरूप कोन त स्वरूप जाने पे हम प्रथम कोन बाहर करिया पड़िबो ना प्रभेदक बाहर करिया को तो एठे a इज इक्वल टू कोन अछि ना 1 b इज इक्वल टू 2 एवं c इज इक्वल टू अछि 63 तो वर्तमान हम प्रभेदक बाहर करिबा प्रभेदक d इज इक्वल टू कोन b स्क्वायर माइनस 4ac तो d स्क्वायर मींस कोन ना 2 रो स्क्वायर माइनस 4 इनटू a मींस 1 इनटू 63 तो ये गला 4 देखों दो गोटे उदाहरण मोठे नै छि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0 तो हमें इथे बाहर करबा कोन ना मूल द्वयर स्वरूप निर्णय कर मूलधर स्वरूप कोण हम हमें देखिबा तो एठे a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 एवं c इज इक्वल टू अछि माइनस 63 बुझला तो मूलधर स्वरूप बाहर करे पे हमें कोण बाहर करिया पड़बो ना प्रभेदक बाहर करिया को पड़बो तो प्रभेदक d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac जटा के मैं आगरो आपन मान कहितली d इज इक्वल टू कोण b स्क्वायर माइनस 4ac तो हमें b जगह कोण पकेबा ना 2 रो स्क्वायर माइनस 4 इनटू 1 इनटू c इज इक्वल टू कोण माइनस 63 तो b रो 2 रो स्क्वायर कोण सारी माइनस इनटू माइनस कोण जो प्लस 63 इनटू 4 कर दियो तो केत हो जे 252 तो ये केते होला ना 4 प्लस ये 252 केते जो ना 256 तो d इज इक्वल टू हमर कसे पळे आसला 256 ठीक अछि तो d इज इक्वल टू आसला हमर कोन ना 256 तो हमर सत्य कोन को आइत ना जदी d ग्रेटर देन 0 होए ताले कोन होबो जेतु 256 ना कोन शून्य हो बड़ तेणु आम डी कौन है ग्रेटर देन 0 हो गला तेणु मूलद्वय कौन हो ना वास्तव एवं परस्पर ठारु भिन्न नहीं वास्तव एवं परस्पर ठारु भिन्न अर्थात कौन ना अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बुझला ए पर भाव आपन को से गणित पचारि पारे तो आपण एक प्रणाली ताको समाधान करिवे तन मु आ गुटे उदाहरण नै जाउ छी आ गुटे सिंध उदाहरण नै कि कर दवा त आपण पूरा संपूर्ण भाबर क्लियर हे जे देखन दो आ गुटे उदाहरण हम एठ नै चली x स्क्वायर माइनस 2x सॉरी 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो एठ मधे मूलधर सर्व कोण हम बाहर करिवा तो ए गला कौन है एक बी है गला माइनस टू और सी है गला कौन माइनस 8 तो हमें प्रभेद बाहर करिबा प्रभेद को डी इक्वल टू कौन हो ना बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 रो होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू ए मींस कौन हो एक इनटू सी मींस माइनस 8 तो माइनस 2 रूल्स पर कौन हो प्लस 4 माइनस इनटू माइनस प्लस 4 दुने
36 तो मूलतः कौन हो ना वास्तव एवं परस्पर ठारू भिन्न ठीक अच्छे। तो एपर भाव आपण समाधान करें जेकोसी दीघा समीकरण आपको दू आप तार प्रभेद को बाहर करके तार मूलधर स्वरूप निर्णय करें ठीक अच्छे।